आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए अपने दिन का एक दिनचर्या लेकर के आई हूँ, जो कि अब आप लोग देखेंगे वीडियो में कैसा है। और मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है मेरा पूरा दिन। और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब करें। दिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा जाता होगा, मेरा दिन तो खैर अच्छा जाता ही है, ये तो आप लोग देखते ही हैं। और आपका भी दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जाता होगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनका मूड चिड़चिड़ा होता है, जैसे कि मेरी मम्मा, पर कोई नहीं, उनका भी दिन ठीक ही चला जाता है। और मेरा तो खैर बहुत ही ज़्यादा मस्त जाता है, और आशा करती हूँ कि आप लोगों का भी ठीक जाता होगा। तो फिलहाल अभी मम्मा कर रही हैं बिस्तर साफ़, क्योंकि वैसे तो बिस्तर मम्मी ने साफ़ कर दिया था, लेकिन ये सोचा कि बेडशीट चेंज कर देते हैं, तो फिर बिस्तर ठीक से करने के बाद फिर बेडशीट तुरंत उतार दी, दूसरी बिछा दी, क्योंकि कहा कि नहीं अच्छी लग रही है, चेंज कर दे रहे हैं। तो फिर मम्मा ने चेंज कर दिया, पर वहाँ पे बैठ के शैतानी कर रहा है। आप लोगों को तो पता ही है कि वो कितनी ज़्यादा शैतानी करता है, तो वो वहाँ पे शैतानी कर रहा था। फिर मम्मा ने करा पेस्ट, हमें कोई काम नहीं था, तो हम आप लोगों के साथ वीडियो शूट कर रहे हैं। और वॉइस करके वीडियो बनाने की इच्छा नहीं थी, तो वॉइस कर ही नहीं, पर लेकिन आपका फेस दिखा दिया कि मैं ही वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी फिलहाल मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, लोग कहते हैं मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, तो वीडियो शूट करता है, मैं कुछ भी नहीं करती फिर भी वीडियो शूट कर लेती हूँ, और ज़्यादातर कुछ नहीं करती तभी वीडियो शूट करती हूँ। और घर के जितने भी काम है सब मम्मा ही फिनिश कर रही हैं आज, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो पीछे चली गई थी और मम्मा घर के काम फिनिश करने लगी, तो मैंने कहा ठीक है। और जो आ रही थी वीडियो, जब मैं आ जा रही थी तब मैंने वीडियो शूट कर ली, तो मम्मा ने जितने भी काम थे सारे कर ही लिए। वैसे तो बस पोछा लगा रही थी, और फैलाएंगे कपड़े, जितने भी कपड़े थे कपड़े भी सारे धुल गए हैं, बस ट्रेनर का ये लास्ट ही वो रह गया है जो लटकाने हैं अब, तो मम्मा सभी तारों को अब भर देंगी। मतलब कभी कभी तो तार भी कम पड़ जाती, इतना सारा कपड़ा धोना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कपड़े और बर्तन सबसे ज़्यादा होते हैं घरों में, बर्तन भी बहुत ज़्यादा फैलते हैं और कपड़े भी बहुत ज़्यादा फैलते हैं, दोनों ही चीज़ जब धुलने बैठ जाओ तो टाइम पता ही नहीं चलता, कब इधर टाइम शुरू होता है कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है, इतनी जल्दी टाइम जाता है। और सबसे ज़्यादा यही दोनों काम फैलते हैं, मेरा मानना तो यही है। जितने भी काम थे वो सारे फिनिश करने के बाद हम सब लोग आ गए पीछे, क्योंकि थोड़ी देर मैं घर पे चली गई थी, फिर मैं भी पीछे आ गई, और फिर हम लोगों ने करी लिपाई। लिपाई दो तीन दिन पहले बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी, और शहर में तो ओले भी पड़े थे, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो पर लेकिन बारिश बहुत तेज़ थी, तो जो भी लिपाई की थी हम लोगों ने सारी बेकार हो गई। तो फिर हमने लिपाई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दो तीन दिन हो गए अब मौसम फिर से वैसा ही लगने लगा जैसे पहले हो गया था, बरसात से पहले था तो गर्मी जैसी फिर से लगने लगी है, तो हमने सोचा इसकी फिर से लिपाई कर दे रही, क्योंकि जितनी इसकी केयर करो उतना ही ज़्यादा टाइम तक चल जाता है, और मोटा जितना लिपाई की जाए। तो वर्तिका लिपाई कर रही है अब हल्के हल्के करके, वो बहुत ज़्यादा सीख गई है करना, झुकियाँ जो होती हैं वो और अच्छी बनने लगी है, आप लोग देख ही सकते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा मेथड बताया था कि कैसे एक दिन रेस्ट करवा के, और पूरा बताया था, पर अब की बार मैंने केवल लिपाई शेयर किया, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं ये बात आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो वर्तिका भी कर रही है लिपाई, मैं भी कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं केवल उसको मिट्टी दे रही थी। और गाइस, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और देखते देखते यहाँ तक आ गए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब तक मैं आप लोगों को याद नहीं दिलाती हूँ आप तो भूल ही जाते हो कि लाइक कमेंट भी करना है। आधे लोग देखने तो आते हैं पर लेकिन कमेंट करे बिना ही चल जाते हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और गाइस देखिए, अब हमारी लिपाई हो चुकी है कंप्लीट, थोड़ी सी हाँ मिट्टी कम पड़ गई, क्योंकि मम्मी ने कहा था थोड़ा मोटा लीपना, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक चल रहा है, और ज़्यादा मोटा लीपने के चक्कर में हमारी मिट्टी ही खत्म हो गई, तो जो एक्स्ट्रा एरिया हम लोगों ने बढ़ाया था वो फिनिश हो ही नहीं पाया, वहाँ पर बस ऐसी मिट्टी जो थोड़ी बहुत बच रही है हमने यहाँ पर जो समेटी, मतलब उसको जो कर पाए इतना कर दिया है क्लियर, अब अभी अगली बार उसमें फिनिशिंग दे दी जाएगी, पर लेकिन अभी प्रॉपरली कम्प्लीट नहीं हुआ था हमारी लिपाई, जितना एरिया पिछली बार हम लोगों ने किया था उतना ही एरिया साफ़ हो पाया ठीक से, आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं, थोड़ा सा एरिया रह गया तो वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर लेकिन अगली बार वो हो जाएगा। और अब की बार फिर बरसात हो गई तो हमारा इसकी बार की लिपाई भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी।
और देखिए लास्ट से जो लास्ट वीडियो थी मैंने अपनी आप लोगों को घर दिखाई थी, तो उस टाइम तो घर लगी हुई थी, पर लेकिन अब पापा ने ये दोनों घर मतलब बेच दिए हैं। तो अब इसका जो पेड़ है वो मम्मी पापा काट रहे हैं, क्योंकि ये पेड़ अब दोबारा तो फल देंगे नहीं, क्योंकि केले का पेड़ एक ही बार फल देता है, तो उसको फल लेने के बाद उसको तुरंत काट दिया जाता है। तो पापा उसी को काट रहे हैं, क्योंकि गार्डन भी फिर थोड़ा थोड़ा साफ लगने लगता है। और जो हमारे आम के पेड़ थे वे भी कट गए हैं, इस वीडियो में नहीं कटे, पर लेकिन हाँ अब कट चुके हैं जब मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ, तो पेड़ कट चुके हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डाल दूंगी। गार्डन बिल्कुल साफ साफ लगने लगा है, पेड़ जो थे सारे ही एक तरीके से कट चुके हैं। गार्डन में एक तरीके से बहुत कुछ चेंज हो चुका है, पर लेकिन मैंने आप लोगों के साथ अभी ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं की थी, क्योंकि एग्जाम्स चल रहे थे, इस वजह से मैंने ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं की थी। पर लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करा करूँगी, तो आप लोगों को रोज़ ही एक पता चलेगा। वैसे तो हाँ मैंने ये कई बार सोचा है, पर लेकिन मैं कर ही नहीं पाती, पर लेकिन अब मैंने सोच रखा है कि मैं आपके साथ रोज़ एक वीडियो शेयर करूँगी। पता नहीं कब तक कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी खुद ही मतलब इच्छा खत्म हो जाती है और फिर इच्छा करती है कि वीडियो शूट करनी चाहिए, तो फिर मैं कर ही नहीं पाती। थोड़ा सा शायद आलस भी है, आलसी हूँ शायद, इस वजह से सोचती तो हूँ कि रोज़ वीडियो शेयर करा करूँगी, पर हो ही नहीं पाता मेरे से। दूसरा, आप लोग सपोर्ट भी तो नहीं करते। अगर आप लोग सपोर्ट करते तो मैं रोज़ एक वीडियो शेयर करती, चाहे मैं कितनी भी इच्छा नहीं करती मेरी, और चाहे मतलब आलस कितना भी होता, पर मैं आपके साथ रोज़ वीडियो शेयर करती। पर लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं करते, आप लोग ये कहते ही नहीं हो कि आपका ब्लॉग रोज़ आना चाहिए, तो मैं तो थोड़ा आलस दिखा जाती हूँ, निराश भी हो जाती हूँ कभी कभी। कोई बात नहीं, कभी तो आप लोग मेरा साथ देंगे ही, पर लेकिन मैं अपनी कोशिश ऐसी ही करती रहूंगी। तो हमारे जितने भी काम थे सारे हो चुके हैं, और अब पापा तोड़ रहे हैं सेमरगुल्ला। मुझे नहीं पता आप लोगों की तरफ इसे क्या कहते होंगे, मेरी तरफ तो सेमरगुल्ला ही कहते हैं। तो पापा इसको तोड़ रहे थे, पर पापा से टूटे ही नहीं, तो पापा ने टहनी ही काट डाली, और वो टहनी काटने के चक्कर में पापा को डांट भी रहे थे कि मत काट वरना ये ऊपर को ज़्यादा बढ़ेगा तो बेकार हो जाएगा पेड़। पर पापा ने किसी की भी नहीं सुनी, पापा ने काट दिया, और सेमरगुल्ले भी एक तरीके से मिले ही नहीं, क्योंकि नीचे लगे ही नहीं थे वो, तो पापा ने एक तरीके से पेड़ भी ख़राब कर दिया और फल भी नहीं मिला हम लोगों को। और आप लोगों को इसकी सब्जी कैसी लगती है? मुझे तो इसकी सब्जी ठीक ही लगती है, ज़्यादा बेस्ट नहीं लगती। और सब कहते हैं कि जब बंद फूल होता है तो और ज़्यादा इसकी सब्जी टेस्टी लगती है, तो खैर बंद फूल की तो मैंने कभी खाई नहीं है, जो खुले हुए फूल होते हैं उनकी सब्जी खाई है। मुझे तो ठीक ही लगती है, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है फिलहाल, पर लेकिन इसका फूल बहुत अच्छा लगता है। और होली जो होली मैया होती है वहाँ पर इसके फूल चढ़ाए भी जाते हैं, बहुत अच्छे फूल लगते हैं इसके फूल ही, बहुत मतलब सबसे ज़्यादा इसके फूल ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि पेड़ तो ये बिल्कुल पत्ता छोड़ ही देता है, बिल्कुल टहनी टहनी होती है, बिल्कुल सूखा पेड़ पे जैसे फूल लगे हो बिल्कुल सेम वैसा ही होता है। और वो पेड़ यहाँ का आप देख सकते हैं गार्डन। वैसे तो ये मौसम ऐसा होता है कि पेड़ बहुत ज़्यादा कलियाते हैं, बहुत हरे भरे हो जाते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मौसम शायद बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है अब की बार, तो कोई पेड़ ऐसा हरा भरा है ही नहीं, सब ऐसे ही आपको मुरझाए हुए दिखेंगे। एक भी आप देख लीजिए, आड़ू पर फूल होता है इस बार, पर फूल भी मतलब झड़ चुका है, कुछ ऐसा गार्डन में है ही नहीं अच्छा। लहसुन था वो अब खुदने की बारी है फिलहाल, और गार्डन अब वैसे बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है। एक एक चीज़ वैसे मैं आपको हमेशा डिटेल में नहीं दिखा सकती, तो मैंने ऐसी उड़ती उड़ती दिखा दी। और अब की बार तो आम पे भी मोहर नहीं आया, बिल्कुल ऐसे सूखे खड़े हैं। बाबा की तरफ हाँ एक दो पेड़ पे एक दो वो छिक गया है, लेकिन हमारी तरफ तो एक भी उस पेड़ पे मोर नहीं आया। बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारा आम आया था तो हमने उसे पका कर खाया था, और अब की बार उस पर मोर ही नहीं आ रहा। अब की बार तो शायद कच्चा भी खाने को ना मिले। और गाइज, आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ये तो आप मेरे को बताएंगे ही, पर ये ज़रूर बता दीजिएगा कि शॉर्ट ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर लॉन्ग। मुझे अपनी लॉन्ग वीडियोस से ज़्यादा अच्छी शॉर्ट वीडियोस लगती है, क्योंकि मुझे शेर और शायरी बहुत ज़्यादा पसंद है, सुनना भी बहुत पसंद है, और आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग शेर और शायरी द्वारा बताना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मुझे अपनी शॉर्ट्स ज़्यादा पसंद लगती हैं। और दूसरा मेरे को, पर लेकिन ये है कि मेरे को बनानी नहीं आती, मेरे को मतलब कॉम्बिनेशन नहीं कर मिलता, और मम्मा हमारी बना लेती है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे को तो अपनी शॉर्ट्स ही अच्छी लगती है। और इसी बात पर मैं आपके लिए एक आज शायरी लेकर के आई हूँ, जो कि मेरे दोस्तों के लिए है। वैसे तो मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में ही शेर और शायरी करती हूँ, पर लेकिन आज मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा करिए कि मैं अपनी एक लॉन्ग वीडियो में भी एक शायरी डालूँ, तो फिर आप लोग सुन लीजिए प्लीज़। शायरी कुछ ऐसी है, आज है तो कल गुजर जाएगा, कौन जानता है कब बिगड़ जाएगा, नाराज ना होना मेरी बातों से, ये वो पल है जो कल बहुत याद आएगा। और सच में बिल्कुल सिचुएशन के ऊपर है, क्योंकि मैं कोई कोई बात ऐसी बोल देती हूँ जो नहीं बोलनी चाहिए, तो प्लीज़ मेरी उन बातों को नज़रअंदाज कीजिए। और मैं अपने वैसे तो पूरा 100% देने की कोशिश शुरू से ही कर रही हूँ जब से मैंने चैनल बनाया, और शायद अब तक नहीं दे पाई, पर सच में कोशिश अब भी जारी है बिल्कुल मन से। बातें तो दुनिया में इतनी सारी होती है कि मैं अगर आप लोगों के साथ करूँ तो बिल्कुल मेरी तो वीडियो ही कम पड़ जाती है, पर लेकिन अब मैं
कर रही थी चटनी बनाने की तैयारी। चटनी मैं आपकी बार ऐसी बना रही थी कि महीन महीन प्याज महीन महीन टमाटर काट के फ्राई करने की, पर लेकिन मैंने फिर वो बनाई ही नहीं क्योंकि सबने ऐसे ही खा लिया खाना, तो फिर मैंने बनाई नहीं। फिर मम्मा ने धोए बर्तन जो भी गंदे हो गए थे, और आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखी उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। वैसे तो मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ पर लेकिन एक बार फिर कहती हूँ, और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, आशा करती हूँ सबको पसंद आई होगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि इससे भी ज्यादा बेहतरीन होगा।